बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वे तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कुछ खास नेताओं पर भरोसा जताया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में जिला जनता दलियों संगठन का विस्तार करते हुए 3 उपाध्यक्ष व 2 महासचिव नियुक्त किया गया। जेडीयू जिलाध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि चंदन ठाकुर व रंजन कुमार को जिला महासचिव नियुक्त किया। इसके साथ ही रमेश कुमार ओझा, मनोज सिंह, मृत्युंजय सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, जितेंद्र मांझी, प्रकाश ओझा, निर्मल गुप्ता, अनीश कुमार आदि लोगों ने बधाई दी। राम बाबू सिंह कुशवाहा ने मनोनयन का पत्र जिला कार्यालय में सौंपा। उन्होंने कहा कि जेडीयू समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनके कुशल नेतृत्व से सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आम जन को सुलभ हो सकेगा। समाज सेवी उद्धव गोस्वामी ने जेडीयू की सदस्यता ली। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश की नीतियों से प्रभावित होकर मेंबरशिप ली है। पार्टी जो जवाबदेही देगी उनका पालन किया जाएगा। बताया कि जेडीयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विधान पार्षद लल्लन सराफ ने सदस्यता ग्रहण कराई। जेडीयू नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार में एनडीए की नई सरकार का नेतृत्व संभालने के बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात होगी। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा ने भी एक दिन पहले प्रधानमंत्री से भेंट की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। उनकी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी से भी मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार की दिल्ली की ये यात्रा कई मायने से महत्वपूर्ण है। वह प्रधानमंत्री के साथ राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ बिहार के विकास से जुड़े मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लघु उद्यमी योजना का आरंभ किया है।